विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह मीणा, सहायक आचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा, यूट्यूब क्लासेस में आप द्वितीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। भारतीय दंड संहिता में आज हम एक नए अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं, अध्याय 16, जो कि मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के संबंध में बताता है। यह अध्याय भारतीय दंड संहिता का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है और सबसे बड़ा अध्याय है। इसमें जितने भी मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले जो अपराध है वो इस अध्याय में आएंगे। भारतीय संविधान द्वारा अपने मौलिक अधिकारों के अध्याय में नागरिकों की स्वतंत्रता को एक महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अर्थात कोई भी व्यक्ति विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। एके गोपालन बनाम स्टेट ऑफ मद्रास AIR 1950 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 27 के बाद में भी यह निर्णित किया गया था कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों से विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अतिरिक्त वंचित नहीं किया जा सकता है। स्वतंत्रता का व्यक्ति से अटूट संबंध है। जन्म से लेकर मृत्यु तक स्वतंत्रता उसके साथ रहती है। जैसा कि सुप्रसिद्ध विधि शास्त्री N.A. पालकीवाला ने अपनी पुस्तक ओवर कॉन्स्टिट्यूशन डिफेंस्ड एंड डिफॉल्ड में कहा है कि लिबर्टी विल नॉट डाई बिफोर द मैन, लिबर्टी लाइज इन द हार्ट्स ऑफ मैन एंड वुमेन, व्हेन इट डाइज देन नो कॉन्स्टिट्यूशन नो लॉ नो कोर्ट कैन सेव इट। नो कॉन्स्टिट्यूशन नो लॉ नो कोर्ट कैन इवन डू मच टू हेल्प इट। यही कारण है कि व्यक्ति के शरीर एवं संपत्ति की सुरक्षा करना राज्य का एक अनिवार्य कर्तव्य माना गया है। कोई भी व्यक्ति यदि किसी अन्य व्यक्ति के शरीर संपत्ति या प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाता है तो वह केवल उस व्यक्ति विशेष के लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण समाज के लिए अपराध माना जाता है। समाज की रक्षा करना एवं उसकी मर्यादाओं को बनाए रखना राज्य का प्रथम एवं आवश्यक कर्तव्य है, जिसका कि वह निर्वाह करता है। मेन महोदय के अनुसार विधि की यह व्यवस्था मनु के समय से चली आ रही है, जब यह कहा जाता था कि यदि राजा जनता से लगान और राजभक्ति चाहता है तो उसे भी जनता के शरीर एवं संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए। मानव शरीर की रक्षा से अभिप्राय उसके शरीर को साधारण चोट से लगाकर हत्या तक से सुरक्षित रखना है। दहेज के कारण बढ़ती हुई हत्याओं की प्रवृत्ति गत कुछ समय से एक कलंक एवं कुरीति के रूप में दहेज का प्रचलन एवं प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है। विवाह का पवित्र संस्कार संविदा सौदेबाजी का रूप ले रहा है। विवाह मंडप में सप्तपदी के समय कार स्कूटर फ्रिज कूलर आदि की मांग की जाती है। उपलब्ध नहीं होने पर बारात बिना विवाह किए लौट जाती है। यदि नहीं तो विवाह के बाद वधू को यातनाएं दी जाती है। यातनाओं से पीड़ित वधुएं हत्या या आत्महत्या के रूप में अकाल मृत्यु की शिकार हो जाती है। न्यायाधीश गुमानमल लोढ़ा जी ने अशोक कुमार शर्मा और अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान 1980 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर राजस्थान पेज नंबर 154 में इसे न केवल समाज एवं नारी के विरुद्ध अपितु निर्धनता के विरुद्ध भी अपराध एवं दुष्कृत्य बताया। अर्थात दहेज प्रथा को उन्होंने एक बहुत बड़ा अपराध बताया। समाज पर यह एक दाग है और नई पीढ़ी पर धब्बा है। अपनी मृत्यु के समय अबला नारी यह लिख जाती है कि हे ईश्वर, आपसे प्रार्थना है कि अब आगे ऐसी सीधी लड़की पैदा न करना जो इतनी दब्बू स्वभाव की हो कि अपने अधिकारों के लिए भी लड़ न सके। नारी की स्थिति को न्यायमूर्ति गुमानमल लोढ़ा जी ने अभी भी इस प्रकार चित्रांकित किया है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। क्योंकि यह जो कहानी है ये मैथिली सेन गुप्त के द्वारा लिखी गई थी। मैथिली सेन गुप्त जी ने अबला जीवन हाय
तुम्हारी यही कहानी आंचल में दूध और पानी के संबंध में लिखा था। मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों को हम निम्नलिखित वर्गों में रख सकते हैं: आपराधिक मानव वध, कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर, आत्महत्या का प्रयास, ठगी, गर्भपात, उपपत्ति, सदोष अवरोध और सदोष परिरोध, आपराधिक बल और हमला, व्यापरण एवं अपहरण, बलात्कार और अप्राकृतिक अपराध। अब आज हम सबसे पहले मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों में सबसे पहले हम आपराधिक मानव वध और हत्या के संबंध में पढ़ेंगे। आपराधिक मानव वध एवं हत्या मानव शरीर के विरुद्ध किए जाने वाले अपराधों की श्रृंखला में प्रथम एवं गंभीर अपराध है। आपराधिक मानव वध अर्थात कल्पेबल होमिसाइड एवं मर्डर, जैसा कि शीर्षक से स्पष्ट है, मानव वध से अभिप्राय किसी मनुष्य की मृत्यु का अर्थ करने से है। किसी पशु अथवा जीव जंतु की मृत्यु अथवा हत्या इसमें सम्मिलित नहीं है। मानव वध अंग्रेजी के शब्द होमिसाइड का हिंदी रूपांतर है, जो लैटिन के दो शब्दों होमो एवं सीडो से मिलकर बना है। होमो का अर्थ है मैन और मानव, एवं सीडो का अर्थ है कट अर्थात काटना या वध करना। मानव वध दो प्रकार का होता है, विधिपूर्ण मानव वध एवं अविधिपूर्ण मानव वध। विधिपूर्ण मानव वध एक साधारण मानव वध होता है, जो संहिता के अध्याय 4 में वर्णित साधारण अपवादों में से कतिपय के अंतर्गत आता है। विधिपूर्ण मानव वध को अपराधों की श्रेणी में नहीं रखा जाता, अर्थात यह दंडनीय नहीं होता। निम्नलिखित प्रकार से कार्य मृत्यु को विधिपूर्ण मानव वध माना जाता है: नंबर 1, जहां मृत्यु दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण प्रकार से विधिपूर्ण साधनों द्वारा और उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में हो जाती है, धारा 80 में। दूसरी, जहां मृत्यु न्यायिक कार्य करते हुए हो जाती है, अर्थात विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा, धारा 76 में। दूसरी, न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश द्वारा, धारा 77 में। तीसरी, न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण के अंतर्गत कार्य कर रहे किसी व्यक्ति द्वारा, धारा 78 में। चौथी, विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल के से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा, धारा 79 में। पांचवी, किसी व्यक्ति द्वारा किया गया ऐसा कार्य जिससे अपानी कार्य होना संभव है किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अपानी के निवारण के लिए किया गया है, धारा 81। और छठी, जहां मृत्यु व्यक्ति या संपत्ति की निजी सुरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने के दौरान कार्य हुई हो, धारा 100 एवं 103। विधिपूर्ण मानव वध में तीसरा प्रकार है, जहां मृत्यु किसी शिशु, विकृत व्यक्ति अथवा मदोन्मत व्यक्ति द्वारा कार्य की गई हो, धारा 82, 83, 84 एवं 85। चौथी है, जहां मृत्यु ऐसे किसी कार्य से कारित हुई हो जो सद्भावना से मृत्यु कारित करने के आशय के बिना एवं मृत्यु व्यक्ति के लाभ के लिए किया गया, धारा 87, 88 एवं 92। अब है अनलॉफुल होमिसाइड अर्थात अविधिपूर्ण मानव वध। अविधिपूर्ण मानव वध का एक चार्ट है, जिसमें सबसे पहले हम आपराधिक मानव वध जो कि धारा 299 में है, जो हत्या नहीं है। दूसरी, हत्या धारा 300 में। तीसरी है, उपेक्षा द्वारा मानव वध धारा 304 ए में। और चौथी है, आत्महत्या धारा 305 एवं धारा 306। तो सबसे पहले आज हम धारा 299 आपराधिक मानव वध के बारे में अध्ययन करेंगे। जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित हो जाना संभव हो, या ये ज्ञान रखते हुए कि संभव है कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे, कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है, वह अपराध मानव वध का अपराध करता है। दृष्टांत, कै एक गड्ढे पर लकड़ियां और घास इस आशय से बिछाता है कि तद्वारा मृत्यु कारित करे, या वे ज्ञान रखते हुए बिछाता है कि तद्वारा मृत्यु कारित हो, यह विश्वास करते हुए कि वह भूमि सुदृढ़ है, उस पर चलता है, उसमें गिर पड़ता है और मर जाता है। कै ने अपराध मानव वध का अपराध किया है। दूसरा दृष्टांत है, कै यह जानता है कि यह एक झाड़ी के पीछे है, खे यह नहीं जानता कि यह की मृत्यु कारित करने आशय से, या ये जानते हुए कि उससे यह की मृत्यु कारित होना संभव है, खे को उस झाड़ी पर गोली चलाने के लिए उत्प्रेरित करता है। खे गोली चलाता है और यह को मार डालता है। यहाँ यह हो सकता है कि खै किसी भी अपराध का दोषी नहीं हो, किंतु कै ने अपराध मानव वध का अपराध किया है। धन्यवाद।